हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपने एक दिवसीय प्रवास के तहत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान शेखावत ने बीजेपी मीडिया सेंटर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता संबोधित की। इस मौके पर शेखावत ने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं के मार्फत हुए कामों को पत्रकारों के बीच रखा। शेखावत ने साफ किया कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में काम कर आमजन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी ने स्टार प्रचारक बनने के बाद जहां जहां अभी प्रचार किया है वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली है। यही नहीं, शेखावत ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी कितने ही असफल हो जाएं, इसके बावजूद उनकी पार्टी में लगातार उनको प्रमोशन मिल रहा है और अब 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें अध्यक्ष पद से ऊपर का पद मिलना चाहिए। शेखावत ने बीजेपी पार्टी से राजपूत समाज की चल रही नाराजगी पर अपनी बात रखी। शेखावत ने साफ किया कि राजपूत समाज स्वभाव से राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक रहा है। शेखावत ने कहा कि राजपूत समाज कुछ क्षण के लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी से व्यतीत हो सकता है, लेकिन वह अपना घर कभी नहीं छोड़ सकता। इस दौरान शेखावत ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए साफ किया कि पायलट 2014 के चुनाव से पहले इस राजस्थान में कहां थे, इसका जवाब वे पहले दें। शेखावत ने कहा कि सचिन पायलट कहां से चलकर कहां चुनाव लड़ रहे हैं वो सबके सामने है। शेखावत ने पायलट पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें अपने भाइयों से ज्यादा अपने ससुराल वालों की चिंता है और उनके ससुराल वाले उनकी कितनी आवाभगत कर रहे हैं यह 11 दिसंबर को सभी के सामने आ जाएगा। गौरतलब है कि सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी सत्ता में है और जवाब देने की बजाय उनकी ओर से सवाल ज्यादा किए जाते हैं। इस पर शेखावत ने अपनी बात को रखा। मैं एक प्रश्न सचिन पायलट साहब से आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि वो इस 2014 के चुनाव के पहले से राजस्थान में उनकी उपस्थिति कितनी थी, पहले इस बात को स्पष्ट करें। वो जो कहां से चल करके कहां पहुंचे और कहां जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपने भाइयों के ज्यादा अपने ससुराल वालों पर विश्वास था, उनको अपने ससुराल वालों की चिंता करने दीजिए और ससुराल वाले जिनकी कितनी आवभगत कर रहे हैं ये सब आपके सामने 7 तारीख को नहीं 11 तारीख को स्पष्ट हो जाए। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।